अगर हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो हम इस लाठी से मार मार के तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, समझे? वही हशर करेंगे जो जिया जीजी का किया था, घर से बाहर भगवा देंगे। तुम हो कौन मुझे घर से निकालने वाली? हाँ, कौन हो मुझे मेरे परिवार से अलग करने वाली? अब देखना, मैं घर से नहीं, भाई की जिंदगी से भी बाहर निकालूंगा मैं। आज तुम्हारी सच्चाई सबको। दरवाजा खुला। रानू, आकाश भाई, हम आपके हाथ जोड़ते, आपको हमारी बचपन की दोस्ती का वास्ता, हमें माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए हमारे साथ। कुछ नहीं होगा क्या? क्या कर रहे तू? क्या कर रही है? राणा की इज्जत के साथ मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है आकाश। अच्छा भाई, अपने छोटे को जानते हो, वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अब पड़ेगी दरार दोनों भाइयों के बीच। देखिए मेरी हालत देखिए, कैसे हंस रही है वो, चुप चुप के हंस रही है। ये हंस रही है, इधर हंस रही है, ये हंस रही है। आंसू नजर नहीं आ रहे इसके, किस तरह सहम गई, नजर नहीं आ रहा तुझे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरा भाई, इतनी घृणित व्यवहार करती है तूने। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझ पे शक कर रहा है। चुप, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चुप भाई, भाई हमें दरार डालना चाहती है, आप देखिए वो कैसे हंस रही है। समझ नहीं आ रही, दरार डालना चाहती है भाई, वो घटिया औरत, अजूबा गिरी औरत है वो। मैं अभी दिखाता हूँ। काश अजू जी, हम नहीं चाहते क्या आप हमारे बनियारी जुड़े। आकाश रुको, अरे भाई पर हाथ उठाओगे तुम? हिम्मत है तो हमारे सामने हाथ उठाकर दिखाओ। और तुम अर्जुन, जिस छोटे भाई को तुम हमारी डांट तक से बचाते थे उसके ऊपर तुम हाथ उठा रहे हो? हाँ आकाश ने। एक मिनट चुप हो जाओ। हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है इस अंग्रेजन की वजह से हो रहा है। सारी मुसीबत की जड़ तुम हो।
कुछ भी हो रहा है इस अंग्रेजन की वजह से हो रहा है। तुम्हें तो हमारे बेटे ने घर से धक्के मार कर भगा दिया था, फिर यहाँ मुंह उठाकर चली आई। वो माँ मैं बस माँ मत कहना हमें, और दरवाजे से तो तुम आई नहीं होगी, छुप कर चोरों की तरह आई होगी। वो मैम, मैम इंसान की जुबान तभी लड़खड़ाती है जब वो गलत होता है, और आज तो तुमने हद ही पार कर दी, दो भाइयों के बीच में लड़ाई करवा दी। नहीं मतलब तुम हमारा घर तोड़ के ही दम लोगी? माँ ये सब आकाश ने क्या क्या हाथ जोड़ दे। माई से कुछ मत कहिए, अगर माई को आपने ये सब बताया तो फिर हम उनसे नसवी कैसे मिलाएंगे, और अगर आकाश जी के बारे में उन्हें पता चल गया कि उन्होंने ऐसा सब किया है तो वो तो बिल्कुल ही टूट जाए। रानू माँ जिया पे इल्जाम लगा रही, उन्हें बताना पड़ेगा। आप क्यों मजबूर कर रहे हैं हमें अर्जुन जी, हम आपको नहीं बताना चाह रहे, लेकिन अब लगता है बताना पड़ेगा। क्या बताना हो? कि जब आकाश जी हमारे साथ जबरदस्ती, तब जिया जी वहाँ खड़ी चुपचाप देख रही थी। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक औरत होके औरत का दर्द नहीं समझी वो। नहीं जिया ऐसे नहीं कर सकती रानो। तो फिर हम ही झूठे सही अर्जुन? नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रही हो, पर मैं जिया को जानता हूँ, वो मदद ना करे ऐसे नहीं हो सकता। यकीन तो हमें भी नहीं हुआ, जब हमने जीजी को मदद के लिए बुलाया तो उन्होंने नजरअंदाज कर दी। पता नहीं जीजी पहले से ही ऐसी हैं या फिर अब ऐसी हो गई। मैंने कुछ नहीं किया है, हाँ मैं छुप कर घर में आई थी, पर मैं दोनों भाइयों को लड़ाना नहीं चाहती थी। इस रानो की असलियत दिखाने या अपनी असलियत छिपाने? अर्जुन मैं इसलिए आई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस इरादे से आई थी, पर तुम चोरों की तरह आई हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारा इरादा गलत है। मुझे बस इतना पता है कि जब मैं यहाँ आया तो तुमने और आकाश ने रानो को घेर रखा था, और इसी वजह से मेरी और आकाश की लड़ाई हुई। अर्जुन झूठ क्यों बोल रहा है? इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। हमारी एक्टिंग ने जिया के सच को झूठ बना दिया सबके सामने, और आकाश के बारे में जो बात छुपानी थी वो भी छुप गई। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठी तुम हो, जो खुद झूठा होता है उसे सब झूठे लगते हैं। हमारे बेटे पर इल्जाम लगाने से पहले तुम 100 बार सोच लो, समझी? आकाश की हरकत छुपाने के लिए सब करना पड़ा मुझे, रानो से वादा जो किया था, पर क्या फर्क पड़ता है? आज तुम्हारा असली रंग भी देख लिया मैंने जिया, एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत बचाने तुम सामने नहीं आए, ये मेरी जिया नहीं हो सकती। हमारे बेटे पर इल्जाम लगाने से पहले तुम 100 बार सोच लो, समझी? माँ जिया झूठ नहीं बोल रही है। आकाश तू चुप रह। नहीं भाई, ये रानो ने अपने आंसुओं के पीछे सबको चुप करना चाहती है, पर आज मैं सच कहूंगा, जो सही है वही कहूंगा। माँ इस घर ने रानू को इतना प्यार किया, पर वो इस घर से नफरत करती है, इसे तोड़ना चाहती है वो। आकाश! समझ में नहीं आ रहा है हमें, पहले तो इस अंग्रेजन की संगत में हमारा अर्जुन बिगड़ गया, अब तुम्हें इसने कौन सी गुत्ती पिला दी है जो इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? देखा नहीं तुमने चोरी छुपे ये घर पे आई है, तुम दोनों भाइयों को लड़वा दिया है। लेकिन जिसका खुद का परिवार ना हो वो परिवार की अहमियत को क्या जानेगा? देखो लड़की, इससे पहले कि हम तैश में आकर कुछ करें बाहर चली जाओ। जानती हूं तुमने मुझे घर से निकाल दिया, पर क्या अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया? बोलो अर्जुन, बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बोलो। अर्जुन ये अंग्रेजन तुमसे कुछ पूछ रही है, इसके प्रश्न का जवाब दो, और इसी समय इसी वक्त इस कहानी का अंत करो।
हमने इन दोनों लड़कियों को मौका दिया अपने आप को साबित करने का, लेकिन परीक्षा से ज्यादा इनकी फितरत और नियत तुम्हारे सामने आई है अर्जुन। अब तुम्हें यह फैसला लेना है कि तुम्हारी पत्नी और सिन्हा खानदान की बहू बनने लायक इनमें से कौन है। इस घर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। बहुरानी क्या ये अंग्रेज है? अर्जुन, मुझे तुम्हें रानू के बारे में बताना है। जैसी वो दिखती है ना, वैसी वो बिल्कुल नहीं है। अर्जुन, ये बैग चेक करो। माता के श्रृंगार की असली ज्वेलरी इस बैग में है और माता पर नकली ज्वेलरी चढ़ाई है इसने। गलती उस रानू की है। उसने जानबूझकर मेरे हिस्से के लड्डू बनाए ताकि माँ के सामने मुझे झूठा साबित कर सके। तुम्हारी तरह उस बुढ़िया के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगी। वो बुढ़िया बहुत सारा माल दबा कर बैठी, वो उससे कैसे हासिल करूं? और फिर अर्जुन और उसका परिवार जिए या मरे मुझे कुछ नहीं। जब आकाश जी हमारे साथ जबरदस्ती, तब जिया जी वहां खड़ी चुपचाप देख रही थी। दिया तुम्हारे सवालों का जवाब। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम रानू की मांग कैसे भर सकते हो? वो अर्जुन कैसे भर सकते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? एकदम सही फैसला लिया है हमारे बेटे ने। उसने अपनी गलती भी सुधार ली और अपनी जिंदगी भी संवार ली, और हम तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि अगर तुम अर्जुन की जिंदगी में ना आती तो उसे सही और गलत का फर्क नहीं पता चलता। इस दिन आपको सच का पता चलेगा ना माँ, बहुत पछताएंगी। जब से तुमसे दूर गई हूँ तब से यहीं आती हूँ अपना अकेलापन फेस करने के लिए। अपने मन को मनाने के लिए, ताकि कुछ पल में ना दर्द कम हो जाए।
आकाश। लड़की को छेड़ रहे थे कि उसने थप्पड़ जड़ दिया। आकाश, आकाश तुम्हारी आंखों में आंसू, ऐसा क्या हो गया? घर पर बहुत बड़ा तमाशा हुआ, उसी वजह से मुझ में और भाई में लड़ाई हो गई। भाई ने मुझे इतने जोर से मारा। आकाश, अर्जुन तुम्हारा बड़ा भाई है ना, अगर गुस्से में आके एक दो थप्पड़ मार भी दिए तो क्या हो गया? तुम्हारा भाई है वो, इट्स ओके। तुम भी कैसी हो? कभी कभी इतनी समझदारी वाली बातें करती और कभी कभी एकदम बच्चों जैसी। फिलहाल तुम्हारे सर से ना पेड़ उग रहा है। सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। बिनी मुझे जाना होगा। काश इतने दिनों से तुमसे नहीं कहा, लेकिन I really... I really love you. I love you. बस एक मिनट, एक मिनट, आओ हमारे साथ। ये खाली जगह देख रही हो ना, इसे तुम्हें भरना है, न सिर्फ इस अलमारी में पर अर्जुन के दिल में भी, समझ रही हो ना? से तुम्हें अर्जुन की ब्याहता होने का हर फर्ज पूरा करना है। भाई, हम अपना पत्नी धर्म बहुत अच्छे से निभाएंगे, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं आने देंगे। हम जानते हैं, हमें तुम पर पूरा पूरा विश्वास है। और अब जब वो अंग्रेजन इस परिवार से दूर चली गई है, अब तो सब कुछ अच्छा ही होगा। भाई, आप बीती बातें भूल जाइए ना, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हम सब ठीक कर देंगे, आप बस आराम से रहिए। जीते रहो। ऐसे ऐसे जकड़ लेंगे हम आपको।
ऐसे ना जकड़ा तो हमारा नाम भी रानू नहीं। आगे आगे देखिए होता है क्या।